तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से हमारे दिन की शुरुआत हुई और अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30 और आप देख सकते हैं हम लोग हैं नर्मदा जी के घाट पर और हम लोग बस बैठे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। एकदम प्यारा सा नज़ारा। यहाँ से सारी भाग गई है। उधर है यहाँ से तो इतनी सारी थी सारी निकल गई। हाँ ये थोड़ी सी है किनारे तो दिख नहीं रही लेकिन फिर से वहां से भागते हुए आओ। बोलो हेलो फ्रेंड्स। अरे वो तो कर दो वेलकम बैक। आर्या करेगी आर्या करेगी। आज हम लोग आए हैं बाहर घूमने। हाँ और तीनों कठपुतलियाँ आई हैं। हम लोग बहुत सुंदर से पार्क में आए हैं, देख सकते हैं बारिश हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है व्यू और बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पे झूले भी हैं, है ना। कीचड़ नहीं है, देख लो। और बताओ क्या क्या है। और कीचड़ है ना, ये देखो पानी भरा हुआ है नीचे सब में और अभी भी बूंद। फोटो शूट भी हो सकता है अभी। हाँ। हम आपको फोटो शूट का एरिया भी दिखाएंगे, बहुत प्यारा है वहाँ पे। हाँ। मतलब लोगों ने ना, अरे आ रही है चाची, मतलब तानी की मेरी नहीं आ रही है, मटकती मटकती आ रही है मम्मी, है ना। बहुत हैप्पी हो आज, है ना। बहुत हैप्पी हो। हाँ बारिश हो गई थी, मेरे को लगा नहीं जाता। मौसम अच्छा हो गया है, बोली नहीं समा रही तो इसलिए बोली मम्मी चलो पार्क चलो। यहाँ पे वाकई कितना सुंदर आता है, देखो फोटो खींचो। तो फ्रेंड्स नर्मदा जी के से आने के बाद हमने खाना वाना किया और नाश्ता वास्ता कर लिया था वहीं से और फिर घर में ले आए थे। इसके बाद खाना वाना किया, फिर बारिश वारिश हो गई शाम को, तो इन लोगों का प्लान बन गया। तानी ने फ़ोन कर दिया चाची को, चलो पार्क चलते हैं। तो हम लोग सब बच्चों को लेके पार्क आ गए। तो अच्छा लगता है थोड़ी देर बच्चों के साथ, और गर्मी में फिर मन नहीं होता है, बहुत धूप होती है 5 बजे तक भी, लेकिन बारिश हो गई थी तो 5 बजे बहुत अच्छा मौसम हो गया था और टाइम भी था हम लोगों के पास। तो हम लोग आ गए हैं पार्क में, तो बस बच्चों का मन रह जाएगा और बच्चे खुश हो जाते हैं, यही तो हम चाहते हैं कि ये खुश बने रहें, ये खुश तो हम खुश। तो अब बस झूलने जा रहे हैं और ये देखिए जाते 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 और आरू गिरी धड़ाम से। ये पानी भरा हुआ था तो ये गिर गई एकदम से, तो कीचड़ में गीली हो गई। आर्या गिर गई है तो हाथ धुलवाने के लिए लेने के लेके गई है तानी। ये गांधी जी के 3 बंदर बैठे हुए हैं, एक ने मुंह बंद कर दिया है, एक ने आंखें और एक ने कान बंद किए हुए हैं। ना यार बच्चा वो कहाँ गया, अच्छा छोटा वाला ये बोल रहा नहीं मैं इससे तेज भी झूल लेता हूँ, नहीं उतरूंगा। ओहो वाह, कुछ नहीं होगा तानी, बस अच्छे से पकड़ के बैठे रहना। लो वो गिर गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, वो कीचड़ में गिर गया।
ये क्या ऐसी 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 कैसी कैसी हुई जा रही चल कैसी है ब्लॉगिंग वाली बहू आते आते होता है एक वो देखा था मैंने भी। तो ये मार्शमेलो है ना जला के खा रही थी और सच में जला के अच्छी लग रही थी मार्शमेलो। तो फ्रेंड्स दूसरे दिन की सुबह नहीं दोपहर हो चुकी है 12:30 बज रहा है और अभी तक मेरे काम ख़त्म नहीं हुए हैं। आज है संडे, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े खाना सब कुछ हो गया है। इसके बाद भी बहुत सारे काम बचते हैं बच जाते हैं जो कि अभी मुझे करने हैं। अभी ये देखिए बिस्तर भी पड़े हैं क्योंकि बारिश हो रही है रात में, आजकल बारिश हो जा रही है रात में भी दिन में भी, 2-3 दिन से ऐसे लगातार बारिश हो रही है। तो रात में थोड़ी ठंड सी लग रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि चद्दर ओढ़ के लेटो, इतना मतलब ठंडा था मौसम, तो इसलिए चद्दर ओढ़ के लेटे थे। तो चद्दर अभी भी पड़े हुए हैं, चद्दर उठाने हैं। और मैं मार्केट से लाई थी कल साड़ियाँ 2, तो उसमें से एक मेरी है और एक में मतलब शादी में ले जाने के लिए है तो वो देने के लिए है, और एक मेरी है जो उसको तैयार करना है। उसका ब्लाउज अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बनाऊं या फिर डालने जाऊं, देखते हैं उसका क्या करना है। उसमें पीको फॉल करनी है, फॉल तो मैं लगा लूँगी झटपट से, और ब्लाउज का अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो सबसे मेन चीज़ उसमें वाइट कलर का ब्लाउज दिया हुआ है तो समझ में नहीं आ रहा है कि उसको बनवाऊँ या फिर दूसरा ब्लाउज लेके बनवाऊँ। अभी कुछ उसका हो नहीं पा रहा है, देखती हूँ क्या करना है। तो चलिए सारे काम कर लेती हूँ मैं और ब्लॉग भी यहीं से ख़त्म करती हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, और दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करूँगी।